हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सुबह में 4 बजे ही बलिया से निकल गया था, 4 नहीं सॉरी 4:30 बजे निकल बलिया से बनारस के लिए निकल गया था। बाइक से ही हम लोग जा रहे हैं, कुछ काम था। चुके हैं गाजीपुर से भी आगे निकल चुके हैं, एक ढाबे में चाय की दुकान पर रुके थे चाय के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है, यहाँ से नंदगंज 4 किलोमीटर दूर है। ये हमारे अरविंद भैया है और ये चाय वाले भैया है। अब बनारस जाने के बाद हमें कुछ काम है, काम करने के बाद हम कुछ घूमेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको। चलो भाई, सफर की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त वाले बिंदास नीले नीले आसमान के साथ। आप लोग देख सकते हैं नीला नीला आसमान और बादल और एकदम जबरदस्त वाली फीलिंग, बहुत मजा आ रहा है भाई। बाइक से कभी घूम के देखो, ट्रेन का तो बात ही अलग है। ट्रेन में तो मज़ा आता ही है, बाइक का भी मज़ा लो। लंबे लंबे रास्ते पे जब एकदम रोड से आप घूमते हो ना, एकदम मज़ा आ जाता है। एक एक चीज़ को देखते हुए पास से जब मर्जी तब रुक गए, जिधर मर्जी उधर देख लिए, एकदम हवा के साथ बिंदास। बनारस कितना दूर है? 1 मिनट, 38 किलोमीटर भाई। अभी 38 किलोमीटर हमें चलना है बनारस पहुँचने के लिए। बलिया से 150 किलोमीटर था, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर लिया है, अभी 38 किलोमीटर बाकी है। टोल प्लाज़ा आ गया बलिया से। जब से हम लोग चले थे ना, तब से अभी तक एक भी टोल प्लाज़ा नहीं मिला था, अभी जस्ट आके मिला जैसे ही बनारस पहुंचने वाले थे। ये ऑटो वाले भाई साइड हो जा, चल 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 चल। एक ही सिंगल रास्ता है, आप देखिए इनको इसी में मुड़ना है। एक सिंगल रास्ता है हमें बाइक से जाने के लिए, क्योंकि बाकी लोग तो टोल दे के जाएँगे, हम बिना टोल के जाएंगे। ऑटो वाला भी इधर ही आ रहा था क्या? वो भी बिना टोल के जाएगा क्या? आगे बढ़ रहे थे हम लोग, बस बनारस पहुंचने ही वाले थे। एक सुंदर सा गेट अभी आएगा, सामने दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, वो स्वागत करेगा हम लोगों का बनारस में। आप लोग देख सकते हैं ये आ गया, वाराणसी में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हाँ, बनारस के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, बनारस के अंदर घुस चुके हैं हम और आगे बढ़ रहे हैं। मज़ा आने वाला है काफ़ी, क्योंकि बनारस जाएंगे, थोड़ा सा हमारा काम है, उसको करने के बाद फिर हम निकलेंगे राजदरी के लिए। राजदरी आप लोगों को अगर पता हो तो ठीक है, नहीं तो बता दूँ, एक बहुत ही अच्छी जगह है बनारस के पास। बनारस से 64 किलोमीटर, मान लीजिए 70 किलोमीटर लगभग आपको पड़ेगा भाई। क्या सुंदर व्यू है, लाजवाब। ऊपर नीले नीले आसमान और सामने हरे हरे पेड़ और नीचे एकदम खुला रोड, एकदम हवाओं से बातें करते हुए एकदम मज़ा आ जाता है बाइक चलाने में। इसीलिए कभी बाइक से घूम के देखो, वो मज़ा आएगा ना भाई, कि ट्रेन भूल जाओगे तुम लोग। बनारस के अंदर घुस चुके हैं, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं एक साइड से पूरा लंबे लंबे ट्रक, एकदम एक लाइन से पूरा लॉरी ही लॉरी लगा हुआ है। काफ़ी दूर तक है भाई ये। भाई ये देखो, बीच में जो डिवाइडर है, ग्रीनरी लगा हुआ है और सामने आपको एक टेंपल दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अभी आपको जूम करके दिखा दूंगा एडिटिंग के टाइम पे, शायद दिख जाए दिख जाए दिख जाए। कई सालों से ये टेंपल बन रहा है भाई, जब बनेगा ना तो बहुत बड़ा टेंपल होगा ये, जो ट्रेन से आते जाते हमेशा दिखता था ये। आइए आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, दिखा आपको दिखा, वो पीला कलर वाला एकदम ताजमहल जैसा लग रहा है फीलिंग। ये बहुत साल से बन रहा है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। जैसे ही ये मंदिर बन जाएगा ना, जैसे ही स्टार्ट होगा, मैं सबसे पहले आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। चलते हैं आगे की तरफ, बनारस की तरफ। भाई जैसे ही बनारस पहुँचने वाले होते हैं ना, आपको एक ये बाईपास मिलता है। इस बाईपास से नीचे से होते हुए, इस पुल के नीचे से होते हुए आप जाते हैं तो बनारस के अंदर एंट्री करते हैं। और यहाँ से शुरू होता है भाई एकदम ज़बरदस्त वाला व्यू, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी तक आप लोगों ने एकदम फ्रेश हाईवे देखा, ग्रीनरी देखा, आसमान देखा, फ्रेश रोड देखा। अब यहाँ से आपको टूटे फूटे एकदम कबाड़ा टाइप के रोड के दर्शन होंगे।
बहुत जल्द एकदम धूल मिट्टी से एकदम भट जाएंगे, ऐसा रोड है ये। तो भाई बनारस में स्वागत है टूटे फूटे कीचड़ वाले रोड के साथ। समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, एकदम टूटे टूटे गड्ढे, टूटे फूटे पूरा एकदम, समझ लीजिए सत्यानाश। उतना दूर से आ रहे थे एकदम मन खुश था, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रोड है भाई। मोदी जी के बनारस शहर में आपका स्वागत है। इतने बड़े बड़े गड्ढों के साथ अगर फिसले तो भाई गए। समझ सकते हैं, देख के ही हालत समझ में आ रहा होगा क्या रोड की हालत है भाई। कई साल से ये है, मैं कई बार आया हूँ, देखा हूँ इसी तरीके से एकदम धूल मिट्टी से। वहाँ तक तो आप पुल तक तो एकदम सही आते हैं, बाईपास तक, जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना एकदम धूल मिट्टी और आपका स्वागत करने में एकदम लग जाते हैं। देख सकते हैं ना टूटा फूटा रोड भाई। अगर आपको सारनाथ साइड से होके जाना है तो उधर से आप फ्लाई ओवर से ही चेंज कर सकते थे, लेकिन हमें अंदर जाना था थोड़ा। मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन जो बनारस रेलवे स्टेशन है वहाँ हमें जाना है, छोटा सा एक काम है, इसके लिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। देख सकते हैं ना इतने बड़े बड़े गड्ढे, बनारस जैसे शहर में, मोदी जी के शहर में इतने बड़े बड़े गड्ढे, क्या बात है। अरे यार ये तो धूल मिट्टी वाला रोड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कब से चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। मैं सोचा कुछ दूर जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये तो अभी धूल मिट्टी मतलब पूरा हालत ख़राब हो गया हमारा। पता होता तो पहले से हम तैयारी करके आए होते, रूट चेंज कर लिए होते। हम सोचे थोड़ा सा होगा, ये तो बहुत लंबा है। बनारस में एंट्री करते ही एक सुंदर सी बिल्डिंग देखी, जिसको देखने के बाद थोड़ा सा फीलिंग आया कि हाँ किसी अच्छे शहर में है। लेकिन जैसे ही रोड पर नज़र जा रही है ना भाई, ना मूड ख़राब हो जा रहा है। एक ऊँची वाली बिल्डिंग और एक ये दूसरी बिल्डिंग, इनको देखने के बाद फील हो रहा है कि हाँ किसी बड़े शहर में आए, लेकिन रोड पर नज़र जा रहा है ना तो धूल मिट्टी और बड़े बड़े खड्डे दिमाग ख़राब कर दे रहे हैं। एक ये और एक पीछे थी, अब ये किए। ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, आपको भी पता होगा हर जगह होते हैं, आजकल इसी का एक क्रेज़ हो गया है भाई। हमने काउंट किया ये 16 फ्लोर का है। तो बनारस में भी 16 फ्लोर के बिल्डिंग हैं। आगे बढ़ गए थे, फ्लाईओवर मिल गया था, हम ओवरब्रिज के ऊपर से चले आए। हम लोग जा रहे हैं आगे, मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन जाना है। पुराना नाम है मड़वाड़ी, अभी नया नाम है उसका बनारस। और अरविंद भैया बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठ के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा था। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है, मज़ा आ रहा था। बनारस पहुंचने के बाद भाई एक चीज़ तो बहुत अच्छा लगता है, ये रोड पे जो टेंपल टाइप के लाइट्स होते हैं ना, अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये रोड पे जो डिवाइडर के ऊपर लाइट्स लगे हैं, इनका लुक काफ़ी अच्छा है, एकदम मंदिर की घंटियाँ होती है ना उस टाइप की फीलिंग आती है। मतलब कुछ कुल मिला के आस्था और भक्ति की फीलिंग आती है, समझ में आ जाता है कि हम किसी पूजा पाठ वाले नगरी में हैं, काशी में हैं। राइट ओके भाई, सामने मस्जिद है। हमें जाना है अभी बनारस मड़वाड़ी, जिसका नाम था पहले, अब बनारस रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है, वहाँ जाएंगे। वहाँ एक लोग को एक सामान लिए हैं, वो देना है, उसके बाद हम निकलेंगे राजदरी के लिए चंदौली। तो ये है बनारस की गलियाँ और बनारस के रास्ते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शहर धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हो गया है, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। हर सिटी धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है भाई, कितना अच्छा था। ये सबसे अच्छी बात यह है ना कि ये जो ग्रीनरी है बीच में डिवाइडर पे, ये काफ़ी खूबसूरती बढ़ा देती है रोड की। और वैसे भी बनारस तो अच्छा शहर है, खूबसूरत तो है ही, बट ये जो डिवाइडर पे पेड़ है ना, ये और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं हमारे जैसे लोगों को चलने के टाइम पर। कितना प्यारा लग रहा है,
बीच में ही फाउंटेन और पार्क बना दिया है रोड के, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। चंडीगढ़ में आप जाओगे ना ऐसे ही आपको मिलता है, चंडीगढ़ में तो हर चौराहे पे ही मिलता है, यहाँ भी ऐसा कुछ देखने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा हमें भाई। अभी हम स्कूल पे आ गए हैं, स्कूल की सबसे खासियत है आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एक लाइन से फ्लैग लगे हुए हैं वर्ल्ड के लगभग सभी कंट्रीज़ के, देख सकते हैं पूरे कंट्री के फ्लैग लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा लगता है। यार गूगल मैप के हिसाब से तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, दिल्ली का जहाँ घूमना आना जाना होता है सिटी में उस शहर के रोड याद रहते हैं, अब हमेशा आना जाना नहीं है इसलिए गूगल मैप के सहारे से हमें जा रहे हैं। यहाँ से किधर मुड़ना है, सीधे जाना या आगे से जाके मुड़ना, नहीं इधर से ही मुड़ना है, हाँ इधर से सही रास्ता है, नहीं इधर से ही, हाँ सही रास्ता। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों और ऊपर से जाएंगे हम फ्लाईओवर के ऊपर से, गूगल मैप में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि ऊपर से जाना है तो कैसे जाना है, तो आगे से जाके ऊपर जाना था, मुड़ना था या कैसे मुड़ना था, ब्रिज को कैसे पकड़ना था, इसलिए हम लोग थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, कहीं कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं गूगल मैप से भी। इधर से हम जाएंगे सीधा जाने के बाद फिर ऊपर ब्रिज पकड़ेंगे और फिर उससे जाएंगे हम लोग सीधा कैंट रेलवे स्टेशन के ऊपर से, ये ब्रिज जाता है वही वाला ब्रिज है जो कैंट रेलवे स्टेशन, बनारस कैंट रेलवे स्टेशन के सामने एक ब्रिज मिलता है वही वाला, यहाँ से हम इसको ऊपर जाएंगे भाई, मुड़ जाओ धीरे से, कोई गाड़ी नहीं आ रही है ना, हाँ नहीं खाली है, चलते हैं। तो ये वही वाला ब्रिज है जो आप लोग कैंट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते होंगे तो देखते होंगे, एक पुल पड़ता है, पुल के नीचे रोड है, तो ये वही वाला है। अभी ऊपर से जाएंगे तो रेलवे स्टेशन भी आएगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई ऊपर से तो देखने में, काफ़ी एकदम नीला आसमान, मौसम साफ था, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मौसम साफ था और धूप कड़ाके की हुई है, बहुत ज़बरदस्त धूप हुई है अब गोप्रो की वजह से। मज़ा आ रहा भाई, क्या सुंदर नज़ारे हैं बनारस के, ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर यहाँ तक वीडियो को आप देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई लोग, लाइक नहीं करेंगे सपोर्ट नहीं मिलेगा मुझे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्री है, लाइक करने में क्या पैसा लगता है आपका, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर इतना कर देते हैं तो मुझे सपोर्ट हो जाएगा और आपका तो कुछ लगने वाला है नहीं, तो भाई कर दीजिए, अगर इतना तक वीडियो देख लिया तो अच्छा लग रहा होगा तभी आप देखे होंगे, कर दीजिएगा। बाकी इन भाई साहब को देख लीजिए, बाइक और बाइक पे दूध वाले सब टैंकर 3-4 लादे हुए थे। देखिए सामने रेलवे स्टेशन है, कैंट रेलवे स्टेशन, मैं इसी को बोल रहा था कि इसके सामने वाला जो ब्रिज है वही है कैंट रेलवे स्टेशन है, और अपना झंडा तिरंगा झंडा लहरा रहा है, आप लोग देख सकते हैं कैंट रेलवे स्टेशन के सामने, अब इंडिया में लगभग ये हर जगह हो गया है, जितने जिले हैं सारे रेलवे स्टेशन के सामने झंडा लगा दिया गया है, फ्लैग लगा दिया गया है। अब हम लोग ब्रिज से नीचे आ गए हैं, जो ब्रिज था उससे नीचे आ गए हैं, ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा लगता है भाई, मंदिर बनारस में आ जाओ ना तो मंदिर इधर उधर देखने को मिलते हैं, बनारस ही नहीं, बनारस हुआ, अयोध्या हुआ, मथुरा हुआ, कई जगह ऐसे जगह हैं जहाँ जाओ तो आपको गली गली में मंदिर देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, कम से कम फील होता है कि हाँ हिंदू देश में पुरानी जो अपनी संस्कृति है। इधर भी फ्लैग लगा हुआ है, अच्छा लग रहा था। अभी हम नीचे से जा रहे हैं, गूगल मैप के अकॉर्डिंग हमें नीचे से जाना था, ये क्या है भाई, जो भी हो अच्छा लग रहा था, कोई सरकारी बिल्डिंग थी
ये नारियल का पेड़। अभी साइड में रेलवे ट्रैक है और हम पहुंचने वाले हैं बनारस रेलवे स्टेशन पे, मतलब मंडवाड़ी रेलवे स्टेशन पे। साइड में रेलवे का ट्रैक है और दूसरे साइड में रोड है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और हम जा रहे हैं रोड पे। अगर ट्रेन भी साथ में जाती तो मज़ा आता, ट्रेन से रेस लगाते। अच्छा है, मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। आप लोग साथ हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी बलिया से लगभग 150 किलोमीटर हम पूरा करने वाले हैं, वो तो कर चुके हैं, कैंट तक का ही था ना 150 किलोमीटर। अभी हम 150 प्लस आ चुके हैं, तो अभी हमारी 150 किलोमीटर की राइड हो चुकी है। आज टोटल 450 किलोमीटर की राइड होने वाली है, हमने पहले ही हिसाब लगा लिया था। भाई ये अपनी ब्रिज देखो, डिज़ाइन अच्छा है, नॉर्मल सा है, ऐसा तो देखने को मिल ही जाता है। अभी इधर ही है भाई पासपोर्ट सेवा केंद्र, यहाँ पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट ऑफिस। क्योंकि मैं 2012 में आया था, इधर ही था पासपोर्ट ऑफिस सीधे जाने पे। अभी हम लोग मुड़ गए हैं, इधर मंदिर था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी हम चल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। भाई गाड़ी वाला लो जी, फाइनली हम पहुँच गए बनारस रेलवे स्टेशन। किधर हम रुके, थोड़ा आगे बढ़कर रुकते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं उनको जिनसे मिलना है, और मिलके तुरंत निकलते हैं राजदरी के लिए। जाना है वाटरफॉल देखना है और वहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करना है। इधर ही रुकते हैं। हाँ, ये सेकंड वाला गेट है, इधर ही आगे पेड़ के पास रुकते हैं, वहीं ना चलता है। वही रुकने के बाद हमारा काम हो गया था और अभी हम निकल चुके हैं राजदरी के लिए, क्योंकि हमें एक सामान देना था बस, और कुछ नहीं करना था। एक फिल्म है हमारी, ट्रू लव प्यार का पंछी, बॉलीवुड की मूवी है, आप देख सकते हैं। राधिका फिल्म क्रिएशन एक चैनल है, उस चैनल पे जाके देख सकते हैं, रिलीज हो चुकी है। और जिस डेट में अभी हम आए हुए थे, इस डेट में रिलीज नहीं हुई थी, तो उसी के पोस्टर्स जो थे वो देने थे, काफ़ी ज़्यादा, लगभग 1000 से ज़्यादा पोस्टर थे, वो एक लोग को देने थे, वो मांगे थे बनारस में पूरा एडवर्टाइजिंग के लिए, चारों तरफ उसे चिपकाना था उसके लिए। तो अगर उस मूवी को आप लोग देखना चाहते हैं तो राधिका फिल्म क्रिएशन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम लोग की बनाई हुई मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है, काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स उसमें काम किए हैं। बाकी अभी हम निकल चुके हैं राजदरी के लिए, लेकिन उससे पहले हम कहीं नाश्ता करने के लिए रुकेंगे और नाश्ता वास्ता करके निकलेंगे। भाई अभी हम ढूंढते हैं कहीं नाश्ता करने के लिए कोई व्यवस्था, कोई अच्छी दुकान मिल जाए तो। बीच में रुक के हम लोगों ने नाश्ता किया BHU के पास, और नाश्ता करके हम निकल चुके हैं राजदरी के लिए। राजदरी चंदौली में पड़ता है, राजदरी एंड देवदरी वाटरफॉल, वहाँ हम जा रहे हैं, वो चंदौली में पड़ता है। तो जाएंगे वहाँ और आपको दिखाएंगे। अभी हम गंगा नदी को क्रॉस कर रहे थे, देख सकते हैं ब्रिज काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मज़ा आएगा। आज पहुँचेंगे और दिखाएँगे आप लोगों को। और बलिया से लगभग हम 170 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और आज टोटल हमारी 150 किलोमीटर की राइड होने वाली है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए ज़रूर।